हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रूके के प्रोडक्ट चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया 2023 के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 17 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग। दोपहर के 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम इंडिया की बात करें तो जहां पे इंडिया 5 के 5 मैच अपना जीत के आ रहे, तो वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी अपना 5 के मैच 5 जीत के आ रही है। तो यहाँ पे टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग लगभग दोनों का इक्वली परफॉर्मेंस चल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे इंडिया 4 मैच जीत के आ रही, तो ऑस्ट्रेलिया 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फैन, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे इंडिया का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का 90% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इंडिया का 299 है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का 222 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 409 है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का 355 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 111 है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का 100 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग इक्वली परफॉर्मेंस दोनों टीमों का देखने को मिल रहा है। चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसे रहेगी, तो मोस्टली सनी रहेगी। 33.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर वो ह्यूमिडिटी की बात करें तो 34% देखने को मिलेगी। वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 295 रन लगने की संभावना है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग में बात करें तो सेकेंड इनिंग में 226 रन में भी लग सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 9 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में भी काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं और मैच भी इस पिच पे चेस कर सकते हैं। तो यह इंडिया का ग्राउंड है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है टॉस जीत के बॉलिंग करें, क्योंकि इंडिया के ग्राउंड पे इंडिया काफ़ी अच्छा खेल सकती है इस पिच पे। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करें तो पहली टीम इंडिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी इंडिया को अपनी बॉलिंग स्ट्रांग करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने वाली है। तो वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि यह इंडिया का ग्राउंड है, तो इंडिया काफ़ी अच्छा इस पर परफॉर्म कर सकती है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त भी होगा, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। टीम इंडिया के की प्लेयर्स की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल। वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर की बात करें तो पैट कमिंग्स, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टोनिस, एस्टोन अगर, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।